हिमाचल प्रदेश में येलो अलर्ट के बीच शुक्रवार को रोहतांग, कुजुम दर्रा, अटल टनल सहित ऊंची चोटियों पर ताजा बर्फबारी हुई। कुफरी, नारकंडा और खड़ापत्थर में भी हल्की बर्फबारी हुई है। खिड़की में हल्की बर्फबारी कारण चौपाल रोड पर वाहनों के चलने के लिए फिसलन है। वहीं शिमला जिले के अन्य इलाकों में बादल छाए हुए हैं। किसी भी आपात स्थिति में आपातकालीन नंबर 112 या निकटतम पुलिस स्टेशन से संपर्क भी किया जा सकता है। मौसम की करवट से जिला कुल्लू और जनजातीय क्षेत्र लाहौल में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सोलंग नाला के साथ अटल टनल, रोहतांग, जड़ोली दर्रा सहित पूरी लाहौल घाटी में बर्फ की मोटी परत जम गई है। अटल टनल से आवाजाही सभी तरह के वाहनों के लिए बंद हो गई है। अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ और साउथ पोर्टल में 90 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई है। बता दें कि चंबा जिले के जनजातीय क्षेत्र पांगी में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। ताजा बर्फबारी होने से लोगों की दुश्वारियां बढ़ गई हैं। पांगी के 18 सड़क मार्गों पर वाहनों की रफ्तार थम गई है। शुक्रवार को भी प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी हुई है। वही 11 फरवरी तक मौसम खराब रहने का अनुमान है। 12 फरवरी से प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना जताई गई है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला .com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।